and solidarity with the family that have lost many children in Gorakhpur. इससे पहले कि मैं आज के संदेश को जो हमारी 71वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ को प्रदर्शित करता है मैं अपने दुख को आज प्रकट करना चाहूँगा उन सारे परिवारों के लिए जिन्होंने अपने उन बच्चों को खोया है गोरखपुर की उस त्रासदी में एंड आई थिंक दिस इज द ओनली कंट्री वेयर आई हैव सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट नोवेयर द पॉलिटिशियंस ब्लेमिंग वन अनदर फॉर ए नेचुरल डिजास्टर और ये मेरे हिसाब से पहला ही देश इस तरह से होगा जहाँ पर मैंने देख रहा हूँ क्योंकि मैंने देश और विदेशों में कई जगहों पर जाकर दौरे किए हैं और देखा है कि ये पहली जगह मुझे लग रही है जहाँ पर राजनेता ही लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं इतनी बड़ी त्रासदी के लिए ब्लेम्स अपॉन ब्लेम वी पुट ऑन वन अनदर हम दोषारोपण पे दोषारोपण एक दूसरे पर करे जा रहे हैं बट इट्स अ ट्रेजेडी लेकिन ये एक बहुत बड़ी त्रासदी चिल्ड्रन डाइड बच्चे मर गए हैं No matter what was the reason, accidents and whatsoever. चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, चाहे दुर्घटना ही क्यों ना हुई हो. When there is a floods, जब कभी बाढ़ आती है, we blame the government in that state. The floods could not be controlled. हम उस राज्य की जो सरकार होती है, हम उसको आरोप लगाते हैं कि इनकी वजह से ये बाढ़ नहीं रुक सकी. Can you imagine the kind of civilized behavior that we have in our country today? क्या आप सोच सकते हैं कि किस तरह का हमारा सामाजिक एक व्यवहार होता जा रहा है जब हम इस देश में रह रहे हैं? Country should be united when we have disasters. और जब इस तरह की समस्याएं होती हैं तब हमारे देश को एक साथ खड़ा होने की आवश्यकता है. When there are floods and destructions. और जब कभी बाढ़ और तबाही आती है. Sickness and disease and famine. जब बीमारी और हर तरह की त्रासदियां होती हैं. It's a kind of famine that the country is facing in North India. और एक तरह की ये त्रासदी ही है जो इस समय भारत में उत्तर भारत इस समय देख रहा है. Nowhere anybody can neglect and kill such so many children. It's impossible. और कहीं पर भी हमें इनका इतना आसानी से दान नहीं दे देना है कि ये बच्चों की जान इतनी अमूल्य हो जाए कि उनके प्राण तक ले लिए जाएं. कोई जिम्मेदार शख्स इतनी बड़ी नेग्लिजेंस ना करेगा लेकिन ये नेचुरल ट्रेजेडी है. ये ट्रेजेडी रुक नहीं पाई है और ऐसी ट्रेजेडी में हमें एक साथ देश को होना चाहिए. ये अच्छी बात नहीं कि हम गवर्नमेंट्स को ब्लेम करें, एक दूसरे की सरकार को ब्लेम करें. अगर फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है तो हम सरकार को ब्लेम करते हैं कि सरकार ने इंतज़ाम नहीं किए, बाढ़ में इतने लोग मारे गए, गुजरात में बाढ़ आ गई है, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बहुत बच्चे मर गए. उस बीमारी के कारण कौन सी बीमारी है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं. लेकिन हकीकत है कि एक ये ट्रेजेडी है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है. दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी किसी गवर्नमेंट की नहीं हो सकती. ये सब चीज़ें हमें सोचना चाहिए. भारत में हम एक दूसरे के साथ खड़े हों ऐसे माहौल में जब इस प्रकार की ट्रेजेडीज हों देश के अंदर, फ्लड्स हों, बाढ़ आए, डिजास्टर्स हों, फेमिन्स हों, हमारे देश में हम सबको यूनाइट होना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए पहुंचना चाहिए. गोरखपुर की ट्रेजेडी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, ना कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें. स्टॉप ब्लेम गेम. आई हैव नेवर सीन इन द वर्ल्ड. मैंने ऐसा कभी भी संसार में नहीं देखा है. आई वॉज रियली सैड एंड हर्ट व्हेन आई रीड द न्यूज पेपर्स टूडे. और मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ और खेदित हुआ जब मैंने आज के अखबारों को पढ़ा. आई सॉ अनदर न्यूज़पेपर. और मैंने एक और अखबार को देखा. इन विच द प्रेसिडेंट्स मैसेज वाज प्रिंटेड इन द बॉटम वेरी लिटिल इन द फ्रंट पेज. जहां पर हमारे राष्ट्रपति के संदेश को उस अखबार के सबसे निचले कोने में बहुत छोटे अंश में छापा गया. एंड द क्रिकेट मैच वॉज गिवन द होल कवर पेज ऑफ द न्यूज पेपर. और वहां पे एक क्रिकेट के खेल को सबसे मुख्य जगह दे दी गई थी उस अखबार में. बट दिस इंडिपेंडेंस डे मैसेज ऑफ आवर डियर प्रेसिडेंट was printed in a very small space. और हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का जो एक संदेश था वो एक बहुत छोटे से अंश में छापा गया था. People are not serious about independence. और हमारी इस स्वतंत्रता के विषय में लोग अब गंभीर नहीं रह रहे. Are we not serious how difficulty with great difficulty this independence was earned by our people? क्या हम इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि कितनी कठिनाइयों के द्वारा हमने इस स्वतंत्रता को पाया है? How much of bloodshed has gone through? कितना रक्त बहाया गया है स्वतंत्रता को? How much of sacrifice and sufferings our great people have gone through in this country? और कितना बलिदान लोगों ने दिया और कितनी चीजों का सामना किया इस
स्वतंत्रता को पाने के लिए. डियर यंग पीपल, लेट अस बी सीरियस फॉर आवर इंडिपेंडेंस. और मेरे प्रिय जवानों, इस समय हमें अपनी आजादी को लेकर बहुत गंभीर होने की आवश्यकता है. वी शुड बी सीरियस. हमें गंभीर होना है. वी मस्ट सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस. हमें अपनी आजादी को मनाने की आवश्यकता है. एट द सेम टाइम वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आवर कंट्री. लेकिन उसी समय इस बात का भी आभास होने की बहुत आवश्यकता है कि हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इस देश के प्रति. आर यू ट्रूली फ्री? क्या आप वास्तव में आजाद हैं आज? द ट्रू इंडिपेंडेंस इन ह्यूमन लाइफ इज कमिंग व्हेन द मैन इज एबल टू डिसर्न एंड लिव बाय ट्रूथ. और सबसे बड़ी आजादी एक मनुष्य के जीवन में तब आ सकती है जब वो मूल्यांकन कर सके सच्चाई के ऊपर निर्भर करते हुए. लॉर्ड जीसस वॉज क्रिटिसाइज बाय द फैरिसीज ऑफ द डे. यीशु मसीह का उस समय उनको क्रिटिसाइज किया गया था फरीसियों के द्वारा जो समय में थे. एंड ही वॉज टॉकिंग टू द फैरिसीज. और वो फरीसियों से उस समय में बात कर रहे थे. एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, इन जॉन चैप्टर 8 वर्स 32, एंड ही सेड टू द फैरिसीज, यू विल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू ट्रूली फ्री. तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. आज हम लोग सत्य को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए गुलाम हैं. टुडे वी आर नॉट ट्राइंग टू सीक द ट्रूथ. इफ वी बिकम द ट्रूथ सीकर्स, इफ आवर नेशनल पीपल, आवर नेशनलिस्ट माइंडेड पीपल, आवर यंग पीपल ट्राई टू सीक द ट्रूथ, दे विल फील ट्रू फ्रीडम विद इन देमसेल्व्स. और आज का समय यह है कि हमें सच्चाई को खोजने की आवश्यकता है, चाहे वो हमारे देश के ही नेता क्यों ना हो, चाहे देश को चलाने वाले ही क्यों ना हो. इस समय आवश्यकता है कि हमें उस स्वतंत्र, उस सच्चाई को खोजना है, तभी हम उस सत्य की स्वतंत्रता को पा पाएंगे. I will give you one example. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ. There was a time there were two neighbors. एक समय था जहाँ पर दो पड़ोसी आसपास रहा करते थे. One was Sharma ji, another was Verma ji. एक शर्मा जी थे और एक वर्मा जी थे. And both of them were working in the same office. और एक ही कार्यालय में दोनों काम करा करते थे. And one day what happened? और एक दिन कुछ ऐसा हुआ. He purchased a color television. उन्होंने एक रंगीन टीवी को खरीदा. So when Verma ji came to know about it, the Sharma has purchased TV as well as the फ्रिज इन द सेम मंथ, सो ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग अबाउट इट. और वर्मा जी को जैसे ही पता लगा कि शर्मा जी के घर में टीवी और फ्रिज आ गया, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया. एंड ही पुट ऑल हिज इंटेलिजेंस इन, ऑल हिज एनर्जी टू फाइंड आउट हाउ मस्ट बी शर्मा जी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. ही मस्ट बी ब्राइबिंग, ही मस्ट बी टेकिंग ए ब्राइब और अर्निंग मनी फ्रॉम ए डिफरेंट मीन्स, सो ही इज एबल टू परचेज फ्रिज एंड टीवी इन द सेम मंथ. और तब वर्मा जी ने अपने सारे प्रयासों को लगा दिया, अपनी सारी बुद्धि की सारी जो क्षमता थी उसको एक ही तरफ केंद्रित कर दिया कि किस तरह से शर्मा जी के पास इतना पैसा आता जा रहा है. शायद ये ब्राइब ले रहे हैं, शायद इसी कारण से इतना पैसा आ गया है कि इन्होंने एक ही महीने में सारा सामान खरीद लिया है. एंड वर्मा जी वाज सो मच वरीड अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ हिज नेबर. और वर्मा जी तो थे अपने ही पड़ोसी की प्रगति से बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित हो गए थे. He was so much worried that he developed the blood pressure problem. और वो इतने चिंतित हो गए थे कि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या तक हो गई. See, when you really jealous of your neighbor, you develop sickness. जब आप अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करते हैं, तब बीमारी आप खुद अपने अंदर पैदा कर लेते हैं. And Verma ji became a blood pressure patient and doctors came one day. और तब वर्मा जी को ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई और डॉक्टर को एक दिन उनके घर आना पड़ा. And doctors were giving medicines. और डॉक्टर ने आकर, वैद्य ने आकर उनको दवाई दी उस समय. And Sharma ji came to know that Verma is sick. और शर्मा जी को पता चला कि वर्मा इस समय बीमार हैं. शर्मा जी visited his home. शर्मा जी उनके घर गए. And asked his welfare. और तब उनका कुशल पूछा. And said, शर्मा, वर्मा जी क्या हो गया आपको? और तब उन्होंने पूछा, वर्मा जी क्या हुआ है? What happened to you, वर्मा जी? वर्मा जी आपको क्या हो गया? Said, I have blood pressure. आप ही की मेहरबानी है. और उन्होंने कहा कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया और इसके जिम्मेदार आप ही हैं. शर्मा जी, आप ही की मेहरबानी है. Then शर्मा जी said, अरे वर्मा जी, यू हैव नॉट चेंज योर टीवी, स्टिल यू हैव ब्लैक एंड व्हाइट. और तब शर्मा जी ने वर्मा जी से कहा कि अरे वर्मा जी, आपने अभी तक पुराना टीवी बदला नहीं है, अभी भी आपके अरे शर्मा जी, आई डोंट हैव इनकम लाइक यू. और तब वर्मा जी ने कहा, अरे शर्मा जी, मेरे पास आपकी तरह आय के स्रोत नहीं है. देन शर्मा जी सेड, नो नो नो, दिस नॉट द मैटर ऑफ माय इनकम. देयर इज अ स्कीम इन दिस टेलीविजन कंपनी व्हिच आई हैव फिल्ड अप द फॉर्म एंड दे हैव अ इंस्टॉलमेंट स्कीम. आई कैन पे इट ऑफ विद इन 5 years ऑल थिंग्स.
और तब शर्मा जी ने कहा, अरे ये कोई पैसे की बात नहीं है, यहाँ पर तो वास्तविकता ये है कि टीवी कंपनी ने एक ऐसा ऑफर दिया हुआ है कि आप अभी जाकर फॉर्म भर दीजिए और टीवी ले आइए और महीनों में जाकर उसकी किस्तें चुका दीजिए। यू नो व्हाट हैपेंड, और क्या आप जानते हैं उस समय क्या हुआ? द मोमेंट वर्मा जी केम टू नो द शर्मा हैज नॉट स्टोलन मनी एंड परचेज हिज ऑल द गुड्स आउट ऑफ हिज ओन इनकम, देन वर्मा जी बिकेम ऑल राइट। और आपको बताना चाहूंगा, his blood pressure became normal। जिस क्षण वर्मा जी ने यह सुना कि शर्मा जी के पास कोई काला पैसा नहीं है, कोई गलत स्रोतों से आय नहीं आ रही है और वो एक सही रीति से उनके घर में टीवी आया है, उसी क्षण वर्मा जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। शर्मा जी brought a form also for him। और शर्मा जी ने जाके वर्मा जी के लिए वो टीवी के आवेदन का एक पत्र भी ले आए। एंड देन वर्मा जी बिकेम एब्सोल्युटली नॉर्मल। और तब वर्मा जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। If you take money beyond your known means, then you are committing sin। यदि आप भ्रष्टाचार करते हैं, यदि आप पाप में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में पाप के आप बंधुए हैं। You are not free। आप स्वतंत्र नहीं हैं। You are still the slave of sin। आप आज भी उस पाप के गुनहगार हैं। Today, comparing with 1947 and 2017। और यदि हम देखें 1947 से 2017 के बीच का समय, वी हैव हाईएस्ट करप्शन इन आवर कंट्री टुडे। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है? वी हैड नॉट बीन मेड फ्री फ्रॉम सिन, हमें आज तक उस पाप से स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। वी बिकेम फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश राज, हमें ब्रिटिशों के राज से तो स्वतंत्रता मिल गई। वी बिकेम फ्री फ्रॉम ह्यूमन ऑपरेशंस, हम एक मनुष्य के दबाव से तो आजाद होते चले गए। वी बिकेम फ्री फ्रॉम अनदर कंट्रीज गवर्नमेंट, हम दूसरे देशों की सरकार से स्वतंत्र तो होते चले गए। बट वी कुड नॉट बिकम फ्री फ्रॉम आवरसेल्व्स, लेकिन हम अपने आप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। वी कुड नॉट बिकम फ्री फ्रॉम आवर ओन सोल, हम अपने ही प्राणों से स्वतंत्र नहीं हो पाए। द सोल दैट हैज सिनफुल नेचर हैज मल्टीप्लाइड सिन, वो प्राण जिसके अंदर वो पाप का व्यवहार है जो पाप को बढ़ाता है। टुडे एवरीबॉडी सेज एवरीवेयर देयर इज करप्शन, आज हर कोई कहता है कि हर जगह भ्रष्टाचार है। कैन यू स्टॉप दिस माय चिल्ड्रन, क्या आप इसको रोक सकते हैं मेरे बच्चों? एटलीस्ट फ्रॉम योरसेल्फ यू कैन डू इट, क्या आप अपने से इस बात की शुरुआत कर सकते हैं? नोबडी कैन चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस संस्थान को चैलेंज नहीं कर सकता। फॉर एडमिशंस, एडमिशन को लेकर, फॉर अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स को लेकर, नोबडी कैन चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नोबडी कैन टेक मनी फॉर दैट, कोई भी इसके लिए पैसा नहीं लेता है। But you will find in other places, लेकिन आप दूसरी जगहों में ऐसा पाएंगे। You may find such things happening, आप ऐसी चीजों को वहां पर होता हुआ देखते हैं। Why there is no fairness, क्यों वहां पर स्वच्छता नहीं है? We must begin, charity begins at home, क्योंकि जो charity है वो अपने घर में सबसे पहले शुरू होती है। सत्य पर चलने के लिए हमें प्राण लेना पड़ेगा, करप्शन से हमें ना कहना पड़ेगा। If you want to finish corruption, start within yourself। यदि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो अपने भीतर से सबसे पहले शुरू करें। Stop from yourself discriminating, stop from yourself taking anything which is dishonest। और अपने आप से रोकें भेदभाव करना, अपने आप से रोकें उस कार्य को करना जो गलत है। Depend upon your honest income, और अपने उस सच्चाई की कमाई के ऊपर निर्भर करना सीखें। We have seen and we have gone through this world today, we have reached to this level, और हमने इन सारी चीजों से गुजरे हैं और आज इस स्तर तक पहुंचने पाए हैं। And therefore we have a right to teach my children, और इसीलिए मेरे पास वो अधिकार है, मैं अपने बच्चों को इस बात को सिखा सकता हूं। If country has to be liberated and delivered from slavery of sin, we have to begin within ourselves, और यदि हम चाहते हैं कि हमारा देश और हम सब स्वतंत्र होने पाए, इन सारे बंधनों से छुटकारा पाने पाए, तो हमें अपने आप से स्वयं से शुरुआत करने की आवश्यकता है। At any time when the tragedy hits the country, और जब किसी भी समय में ये ट्रेजेडी हमारे देश पर प्रहार करती है, some of you young men might become the ministers in the state government or in the central government, possibly। आप सब कुछ जवानों में, इन सब जवानों में से कुछ जवान हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर नेता तक बन जाए या प्रशासक क्यों ना बन जाए। Government, some may be in the opposition। हो सकता है कुछ विपक्ष में बैठे, कुछ हो सकता है सरकार में बैठे। But remember, when tragedy hits the country, you should be one। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब त्रासदी हमारे देश पर प्रहार करती है तो हमें एक साथ होना है।